जल संरक्षण को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती चली आ रही है। बारिश के पानी को किस तरह बचाया जा सके, उसके लिए प्रदेश सरकार तालाबों पोखरों की गहराई बढ़ाकर जल का संरक्षण कर रही है। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में जल संरक्षण के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक बनवाए गए हैं। टैंक में जालीनुमा ढक्कन लगाया गया है, जिसमें बरसात का पानी उस टैंक में जाता है और फिर उसको शुद्ध करके अन्य काम में लिया जाता है। इससे जल का संरक्षण भी हो जाता है और सड़कों या आसपास जल जमाव भी नहीं होता है, जो सरकार के जल संरक्षण अभियान में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता अजय श्रीवास्तव से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया। आइए इधर से, आइए इधर से। अगर उठाएंगे तो खुल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पानी का पूरा स्टोरेज और इसके रास्ते में जाली है, जो टकरा में आया सिर्फ साफ पानी जाए, यहीं से पानी स्टोरेज होता है। ये पूरे मंदिर परिसर का लगभग जो भी स्टोरेज है, बरसात का पानी जल्दी में चला जाता है। आगे भी कई बनना है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में बहुत पहले से जल संरक्षण के लिए एक स्थान पर बनाया गया है, उससे लाभ तो अवश्य है। पानी नीचे चला जाता है, जो चारों तरफ का पानी है, इसको बड़े पैमाने पर अगर बना दिया जाए तो उससे काफ़ी लाभ मिल सकता है। ये कार्यक्रम प्रदेश में भी होना चाहिए, जनपद में भी होना चाहिए, इस पर सरकार का भी ध्यान है, ताकि जो है ये जल कहीं एकत्रित न हो, जल जमाव न हो और इस पानी से फिर इसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ और भी बनने जा रहा है एक दो जगहों में, प्रशासन भी बनाने के प्रयास में है। तो ये जो है कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, जन संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए। हाँ, इस पर सभी जो है सरकार का ध्यान और जनता का भी ध्यान होना चाहिए। जन संरक्षण जो है विशेष आज के युग में, आज वर्तमान युग में बहुत ही आवश्यक है।